अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम हो आपका घर का देसी खाने में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी, तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये आधा किलो भिंडी ली हुई है, तो मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और इसको मैंने ड्राई कर लिया है अच्छे से, ठीक है। तो जो बड़ी भिंडी थी तो मैंने इसको बीच में से ना कट लगा लिया था, और जो छोटी भिंडी थी तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो सेमी साइज़ का मैंने सभी भिंडियों को ना काटा है, ठीक है। अब मैंने ना 2 टीस्पून मैंने ना ये बेसन लिया हुआ है, तो ये मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था बेसन ना, तो 2 टीस्पून मैंने ये बेसन लिया हुआ है। और 1/4 टीस्पून मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है, और 1/4 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, ठीक है। तो ये सब मसाला जो है ना, बेसन और मिर्च और नमक, तो ये भिंडियों के ऊपर अच्छे से हमने ना इसकी कोटिंग कर देनी है, बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमारी कोटिंग हो गई है, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है मसाला भिंडी, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सब भिंडियाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, अब हम इसको ना सैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक कढ़ाई में ना 4 से 5 टीस्पून मैंने ना ऑयल लिया हुआ है, अच्छे से इसको हम पहले गरम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से गरम हो गया है ऑयल हमारा। अब ना ये जो मैंने भिंडियाँ मसाले में कवर कर दी थी, इसको हमें ना सैलो फ्राई करना है, तो हमें ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ इन्हें भिंडियों को ना हाफ डन करना है, ठीक है। तो इसको हम हाफ डन कर लेते हैं भिंडियों को ना, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा घर का देसी खाना कैसा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमारी फ्राई हो गई हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में ना। तो मैं सब भिंडियों को निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में ना मैंने ऑयल ऐड करके ना इसका मसाला तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं, अब इसका मसाला तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने उसी कढ़ाई में ना ऑयल ऐड किया है, तो आधा कटोरी मैंने ना ऑयल ऐड किया है इसमें। तो इसको भी अच्छे से पहले गरम कर लेते हैं, और इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की मैंने ना ये बारीक प्याज काटी हुई है, तो ये प्याज ऐड करूँगी इसमें। तो प्याज अच्छे से हमें लाइट पिंक करनी है, तो इसको अच्छे से हम लाइट पिंक कर लेते हैं प्याज को। और प्लीज़ 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 आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऑलमोस्ट प्याज भी लाइट पिंक हो गई है। अब साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून ये ज़ीरा ऐड करना है, और 1/4 टीस्पून मैंने ये हींग ली हुई है। देखिए हींग, मैं ये नॉर्मल वाली मैंने हींग ली हुई है, ज़्यादा तेज़ वाली हींग है तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। तो ये हींग और मैंने ज़ीरा डाल के भी अच्छे से इसको भून लेना है, और साथ ही मैंने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने लहसुन अदरक का भी पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी इसको अच्छे से हमें इसको भून लेना है 1-2 मिनट तक। जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, फिर मैंने इसमें ऐड करने हैं टमाटर की प्यूरी, ठीक है। तो ये मैंने 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए थे, तो इसको मैंने बहुत फाइन पेस्ट बना लिया था, तो ये सब टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और टमाटर डाल के इसको 5 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे, ठीक है। तो हम इसको पहले अच्छे से भूनते हैं टमाटर डाल के भी ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 5 मिनट हो ही गए हैं, अच्छे से हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, अब हमें ना पाउडर मसाले ऐड करने हैं। तो ये हमारे पाउडर मसाले हैं, तो
तो 2 टीस्पून मैंने ये धनिया पाउडर लिया हुआ है और 1/2 टीस्पून मैंने ये नमक लिया हुआ है और 1/2 टीस्पून ही मैंने ये हल्दी पाउडर लिया हुआ है और 1/2 टीस्पून ही मैंने ये मिर्चें ली हुई हैं। ठीक है, देखिए नमक मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा जैसे आपके यहाँ खाई जाती हो। और मैंने उसमें भी जो मसाला मैंने तैयार किया था भिंडियों में कोटिंग जो की थी उसमें भी लाल मिर्च और नमक डाला है, तो आप अपना हिसाब से बैलेंस बना के रखिएगा। ठीक है, तो ये मसाले मैंने सब डाल दिए। मसाले डाल के भी ना अच्छे से हमने इसको भून लेना है। ठीक है, तो 1-2 मिनट तक हम ऐसे ही भूनेंगे। फिर मैंने इसमें ऐड करना है दही। ठीक है, तो ये मैंने 1 कटोरी दही लिया हुआ है, तो अच्छे से इसको दही को बीट कर लेंगे। बीट करके ही डालिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 कटोरी मैंने दही भी इसमें ऐड कर दिया है। तो दही से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा दही। ठीक है, तो दही डाल के भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट तक हमें इसको भूनना है दही के साथ भी। फिर हमने क्या करना है, इसमें मैंने अभी पानी ऐड करना है कि अभी मसाले मैंने पकाए नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दही के साथ भी मैंने 1 मिनट पका लिया है। अभी इस स्टेज पे मैंने 1 कटोरी ना ये पानी ऐड कर रही हूँ, तो पानी डाल के भी अच्छे से मिक्सर कर लीजिएगा। और मैंने ना अब 5 से 10 मिनट मैंने ना इसको मसाले को पकाना है, तो मैंने ढक दिया है, तो 5 से 10 मिनट तक और वेट करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 5 से 10 मिनट हो गए हैं। हमारा अब इस स्टेज पे हमने इसकी करनी है भुनाई, तो जब तक हमें इसको भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे हमने ना ये भिंडी ऐड करनी है। तो ये सब मैंने ना भिंडियों को इसमें मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी भिंडी अभी हाफ डन है, अभी पूरी पकी भी नहीं है, तो मैंने ना भिंडी डाल के भी इसको ना 5 मिनट ढक के पकाना है कि जो भिंडियों में कसर रह गई होगी वो ढक के हमारी पूरी हो जाएगी। तो इसको पहले 5 मिनट ढक के पका लेते हैं। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे 5 मिनट भी हो गए हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वाओ कितना ज़बरदस्त कलर आया है और खुशबू तो बेहतरीन ही है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे स्टाइल से भिंडी मसाला। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इस स्टेज पे ना हमने क्या करना है, तो ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ली हुई हैं, ये ऐड कर देते हैं। और हरी मिर्ची डाल के भी अच्छे से हम इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हमारी भिंडी मसाला रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रेडी है, और इसको नींबू के साथ ज़रूर खाइएगा, नींबू डाल के बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी मसाला रेडी है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।